पूरा नाम बताइए अपना। मैं कविता सिंघल, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की जॉइंट सेक्रेटरी, कैंपेन कोऑर्डिनेशन। आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में बहुत से उम्मीदवार खड़े करी हैं, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है इलेक्शन लड़ने का, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी अगर चुनकर आती है तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहेगी, और बाकी और जो चीज़ें और मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, अपना किसानों की आत्महत्या है, तो क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, आपने ये जो सब मुद्दे बताए, हम लोग 24 उम्मीदवार लड़ा रहे हैं और हम गवर्नमेंट नहीं, सरकार नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है? हम एक अपोजिशन बनाने चाह रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि देश में एक स्ट्रांग अपोजिशन हो। कांग्रेस कोई अपोजिशन नहीं रही, एनसीपी कोई अपोजिशन नहीं रही, ये सारे बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं इनके लोग, आपने और स्टेट्स में भी देखा, गोवा वगैरह में। तो अब हमारे को एक चाहिए स्ट्रांग अपोजिशन। जब तक स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगा, जो सरकार है वो सही अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो हम एक स्ट्रांग अपोजिशन बना के हम लोगों के बीच में जाएंगे कि सभी ने देखा है कि दिल्ली में क्या बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में भी, दिल्ली में जो काम हुआ, स्कूल, अस्पताल, सभी के बारे में काम हुआ। तो अगले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे, लोग हमको अभी रिकॉग्नाइज करते हैं, आम आदमी पार्टी को एक स्ट्रांग अपोजिशन के रूप में, तो अगले 5 साल बाद हम पूरी तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाने लायक हो जाएंगे। तब जो काम दिल्ली में हो रहे हैं, कल आपने देखा होगा नीति आयोग में ये आया है कि जितना भी इनोवेटिव इंडेक्स है वो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, 45 है, बाकी और स्टेट से भी दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, यूनियन टेरिटरी में पहला नंबर है और बाकी स्टेट्स में भी पहला नंबर है। तो एक इनोवेटिव आइडिया, देश को क्या चाहिए अभी? देश को राजनीति नहीं करनी है, हिंदू मुसलमान की, कास्ट की, किसी चीज़ की राजनीति नहीं करनी है, देश को एक इनोवेटिव आइडियाज चाहिए। और वो सिर्फ एक पढ़े लिखे CM या पढ़े लिखे लोग ही दे सकते हैं, जो हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में भरपूर हैं, हमारे CM IITN है, तो एक इनोवेशन जो ला सकते हैं देश में, यही पार्टी ला सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में तो देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं बुरे हालात हैं। एक स्कूल का हमने दौरा किया नागपुर में, रामदास पेट में है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें एक हॉल बना हुआ है। हमने क्या कहा, भैया ये हॉल क्यों बनाया, ये बैडमिंटन के लिए हॉल बना, अच्छा बहुत अच्छा है, बच्चे तो खेलते होंगे, लॉक लगा है, किसी बच्चे ने आज तक अंदर से देखा भी नहीं है। वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए बना है, लोकल मतलब वहाँ के नेता लोगों के लिए बना है, उनकी फैमिली के लिए बना है, कभी कभार जब वो खेलने आते हैं तो वो खोला जाता है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो स्कूल का तो क्या, इन लोगों को कोई मुद्दा ही नहीं है, इन लोगों का स्कूल का। अभी देखिए चुनाव में किस किस का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, किसान का मुद्दा होना चाहिए, इतने सारे मुद्दे होने चाहिए, हाँ, लेकिन ये मुद्दे नहीं है। अभी मुद्दा क्या चल रहा है, गाय का मुद्दा चल रहा है, गोबर का मुद्दा चल रहा है, गड्ढों का मुद्दा, ये है एक। उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, मुझे बहुत नहीं पता है।